अहमदाबाद प्रखंड के अंतर्गत दुर्गापुर पंचायत के गांव बहरसाल के वार्ड संख्या 6 में दुलाल जलाल शाहबुद्दीन अताबुद्दीन के घर में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से 14 परिवार का घर जलकर राख हो गया था। इसकी सूचना मुखिया गोपाल प्रसाद सिंह के द्वारा रेड क्रॉस को दी गई थी, जिसको लेकर आज रेड क्रॉस के अनिल चमड़िया अपने टीम के साथ बहरसाल गांव पहुंचकर कुल 11 परिवारों के बीच मच्छरदानी, लुंगी, साड़ी, बर्तन सेट, मास्क आदि का वितरण किया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हम लोग जितना हो सके करेंगे मदद, जो भी बचा। ये रेड क्रॉस का हमेशा प्रयास रहता है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या मैन मेड डिजास्टर हो तो सबसे पहले राहत पहुंचाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो आग हो, बाढ़ हो या जिसमें की कोई भी विपदा की है। तो ये हम लोग का ये हमेशा से ये अपना कर्तव्य समझ कर हम लोग करते हैं। तो अभी गोविंदपुर में हम लोग गए थे और वहाँ 15 परिवार थे। हम लोगों ने खुद देखा कि सब उनका सब कुछ नष्ट हो या कुछ भी बचा नहीं है। तो हम लोग जो राहत पहुँचाते हैं उसमें उनका जीवन अपनी पुरानी पटरी पर तात्कालिक रूप से पुनः प्रारंभ हो सकता है, ये प्रयास रहता है। जैसे उसमें 32 बर्तनों का स्टेनलेस स्टील बर्तनों का सेट होता है, उसमें बाल्टी होती है, धोती, साड़ी, इसके अलावा एक बड़ा साइज का तिरपाल होता है, मास्क होते हैं, सफन वगैरह होती है। तो ये हम लोगों ने कल वहाँ पर बांट के हम लोग आए हैं और अभी शीत लहरी में हम लोग का प्रयास रहेगा कि समाज के अंतिम पंक्ति पर जो सबसे अंतिम पंक्ति पर हैं, जैसे कुष्ठ रोगी हैं, HIV पेशेंट्स हैं, उनके बीच में कंबल वितरण का भी कार्यक्रम बन रहा है। अगलगी में सर कितने परिवारों को आपने और क्या क्या चीज़ दिया, कुल कितने परिवारों को? 15 परिवारों को दिया और उसमें जैसा कि मैंने बताया उसमें 32 बर्तनों का किचन सेट था, बाल्टी थी, एक बड़ा तिरपाल था, धोती थी, साड़ी थी, मसारी थी, मास्क था, साबुन था, इसी ढंग के जीवनों के लिए सामान थे। थैंक यू सर।